नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का। और आज हम डायनेमिक डिश के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम अपना जो है सो खोल लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन मैनेजर। पार्टीशन मैनेजर खुल गया। अब यहाँ पे कुछ देखने वाला बात है, वो ये है कि पहला देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पार्टीशन बना हुआ है, बहुत सारा ही पार्टीशन है इसमें। तो इससे एक बात आप अंदाज़ा लगा पाइएगा कि ये जो है सो बेसिकली MBR तो है ही नहीं। इसमें कोई भी लॉजिकल पार्टीशन नहीं है, कहने का मतलब इसमें कोई भी एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं है जिसमें लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट किया गया हो। ये सारा का सारा प्राइमरी पार्टीशन है, देख सकते हैं, हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन। कहने का मतलब ये प्राइमरी पार्टीशन है, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि ये जो है सो GPT है, MBR नहीं है। MBR में नहीं है, GPT में कन्वर्ट, मतलब GPT में इस ड्राइव को फॉर्मेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि इसको बेसिक डिस्क है, मतलब कहने का मतलब आज हम बताने वाले हैं कि डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कैसे करें। तो बेसिक डिस्क देख सकते हैं, ये बेसिक डिस्क है फिलहाल, लेकिन इसको राइट क्लिक करके डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद डायनेमिक डिस्क से बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें इसके लिए आपको पूरा का पूरा ड्राइव फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है, डाटा लॉस हो जाएगा। लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी टूल से जो है सो ऐसा कर सकते हैं कि आप वापस से बेसिक टूल में, बेसिक जो है डिस्क में कन्वर्ट कर पाएँ। तो वो थर्ड पार्टी टूल से करना आसान है बेसिकली। तो इसमें डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा है। डायनेमिक एक बात बता दें, अगर आप कोई विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं या ऐसे कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है सो डायनेमिक डिस्क बेस्ट रहेगा। डायनेमिक डिस्क का अब हम एडवांटेज बता देते हैं कि देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अनलोकेटेड है, मतलब 181 GB और 99 GB खाली है। तो उसमें अगर न्यू सिम वॉल्यूम क्रिएट करना चाहेंगे तो उसमें हम न्यू सिंपल वॉल्यूम कर सकते हैं, लेकिन स्पैंड, स्ट्रिप्ड, मिरर्ड, रेड 5 जो है सो वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यही डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाए तो आप जो है सो चारों का चारों, सॉरी पाँचों का पाँचों क्रिएट कर पाएंगे, सिंपल वॉल्यूम से लेकर रेड 5 वॉल्यूम तक, जिसमें कि बेसिकली रेड 5 में डिफरेंट हार्ड डिस्क को यूज करके सिंगल पार्टीशन बनाया जाता है। तो कहने का मतलब कि जो एडवांस यूज़र होते हैं वो डायनेमिक डिस्क को यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं जो बेसिकली शुरुआत में विंडोज़ फॉर्मेट होता है तो सब बेसिक में ही होता है। और आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम पहले बेसिक से, सॉरी MBR से GPT में अपने ड्राइव को फॉर्मेट किए थे। पहले MBR में मेरा ड्राइव फॉर्मेट था, और उसके बाद जब फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम नया नया इंस्टॉल करना था तो बोले कि यार काहे ना GPT में फॉर्मेट किया जाए। इससे कुछ नुकसान भी है, जैसे कि MBR कहने का मतलब कि GPT में आप जो है सो नहीं, GPT का छोड़िए, GPT का तो ठीक है। डायनेमिक डिस्क का कुछ नुकसान है कि इसमें पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये एक नुकसान है। लेकिन चिंता नहीं कीजिए, कौन जो है सो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने वाला है, वैसे भी सभी जो है सो विंडोज 8 7 यही सब रन करेंगे, और तो ये सब सपोर्ट करता है 7 8। XP का होम एडिशन सपोर्ट नहीं करता है, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि MBR सॉरी डायनेमिक डिस्क में जो है सो सपोर्ट नहीं करता है विंडोज XP होम एडिशन, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सब विंडोज XP का जो है सो सपोर्ट करता है। उसके बाद अभी हम कन्वर्ट करेंगे इसको डायनेमिक डिस्क में, तो बेसिकली कर दिए डायनेमिक डिस्क में, डिस्क 0 है और इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होगा, इसलिए कर सकते हैं। और देखिए कन्वर्ट है, कन्वर्ट यहाँ पे बेसिकली जो है सो क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स आया जिसमें लिखा हुआ, आफ्टर यू कन्वर्ट दिस डिस्क टू डायनेमिक डिस्क यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एनी वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क एक्सेप्ट द करंट बूट वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है कि आफ्टर जो है सो कन्वर्ट डायनेमिक वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद जो है सो हम जो है सो जो भी इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम बूट नहीं कर पाएंगे किसी वॉल्यूम से, एक्सेप्ट जो है जो कि करंट वॉल्यूम है उसके अलावा। तो जो करंट वॉल्यूम है विंडोज कहने का मतलब विंडोज 10 है, इसको हम बूट कर पाएंगे, बाकी सबको बूट नहीं कर पाएंगे इसको कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। तो इसको यस करेंगे तो उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि मेरे में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है और बेसिकली हम टेस्टिंग करते रहते हैं, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है डायनेमिक डिस्क की, ठीक है। हम सोच रहे थे कन्वर्ट कर दें,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि यार दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट नहीं करेगा, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि देख सकते हैं ये चार चार पार्टीशन जो है सो बेसिकली फाइल्स के लिए है, और ये जो है सो 150 जो है सो उबुंटू है, और ये 95 MB जो है ये बेसिकली उबुंटू का ही है, उबुंटू का ही रिजर्व पार्टीशन है, और ये विंडोज 10 है, विंडोज 10 का एक रिजर्व पार्टीशन होगा जीपीटी का, सॉरी EFI पार्टीशन जो कि शो नहीं कर रहा है। ये EFI पार्टीशन है 95 वाला, देख सकते हैं, और ये EFI पार्टीशन हम एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिए थे वैसे ही। तो कहने वाला आप यहाँ से डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायनेमिक डिस्क का बहुत सारा फ़ायदा है। तो ये वीडियो बताना था कि आप डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करके बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि स्पैंड वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम और रेड 5 वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं सिवाय सिंपल वॉल्यूम के। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और आप ही डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं जैसे कि विंडोज 10 है, तो आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। हम अभी नहीं क्रिएट करने वाले, क्योंकि मेरे में हमको डर है कि कहीं मेरा उबुंटू वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाद में बूट ना करे। वैसे तो हम फिक्स कर देंगे इसको, कैसे भी करके फिक्स कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें जाना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए जो है सो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें अगर चले गए तो फिक्स कर देंगे दोबारा से जो है सो उसका ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल करके जो है सो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल बूटेबल USB नहीं है, तो करना मुश्किल है। बूटेबल USB होता तो हम आराम से कर देंगे, और वैसे भी कर सकते हैं इसी में, मतलब विंडोज 10 में बूटेबल USB क्रिएट करके, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मूड अचानक से चेंज हो गया। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसके फ़ायदे हैं, ये वीडियो फ़ायदे बताने के लिए था, कोई नुकसान नहीं है सिवाय इस बात के कि आप जो है पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला पाइएगा, जैसे कि और बाकी सब फ़ायदा ही फ़ायदा है। और पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे भी कौन चलाने वाला है, विंडोज़ डॉस या फिर विंडोज जो है सो पुराना विंडोज़ जो है सो 100 200 पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा वर्जन है, तो वही सब नहीं चला पाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।